हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम हेमंत सैनी, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं डिजाइन इंस्पिरेशन चैनल के ऊपर फिर से एक और बार। तो बेसिकली इस वाली वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि हम स्केचअप के ऊपर कैसे वॉल्स क्रिएट कर सकते हैं, और वॉल क्रिएट करने से पहले आपको फाइल इंपोर्ट करनी होगी ऑटोकैड की, वो हम कैसे कर सकते हैं, या फिर अदर जो भी फॉर्मेट जो सपोर्टेड होता है स्केचअप के अंदर उनको हम कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने जो प्राइमरी टूल्स जो स्केचअप के प्राइमरी टूल्स क्या काम में आते हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हो। बेसिकली पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपको प्रिंसिपल टूल और व्यू टूल के बारे में बताया था, तो इनको यहाँ पर एडजस्ट कर देते हैं। तो चलिए हमारी जो फाइल है ऑटोकैड की उसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं। अगर आपने नहीं देखा है ये जो मेन्यू बार क्या काम करता है तो आप जाकर देख सकते हैं मेरे चैनल के ऊपर, आपको वहाँ पर वीडियो मिल जाएगी। उसके बाद हम आगे बात करते हैं इम्पोर्ट। तो बेसिकली अगर आपको कोई भी फाइल ऑटोकैड की हो, चाहे जेपीजी हो, चाहे पीएनजी हो, या अदर जो सपोर्टेड फाइल होती है जो स्केचअप के अंदर, अगर आप उसको ओपन करना चाहते हो अपने स्केचअप के, तो आपको इंपोर्ट करना होगा। तो बेसिकली मैं इंपोर्ट के ऊपर यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। तो बेसिकली जहाँ आपकी फाइल, आपको जो फाइल इंपोर्ट करनी है और उसकी जो लोकेशन क्या है, जहाँ पर वो सेव है, वहाँ आप जा सकते हो। दिस पीसी, डेस्कटॉप वगैरह, जहाँ से आप जाना चाहते हो। तो बेसिकली अभी मैं फाइनल लोकेशन में पहुँच चुका हूँ। मेरी ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक प्रैक्टिस नाम से एक फाइल, यहाँ पे मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो जैसे मैं इसके ऊपर ओपन, ये देख पा रहे हैं यहाँ पर ऑटोकैड जो फॉर्मेट है DWG DXF वाला, अगर आप यहाँ पर आप जाकर स्केचअप की फाइल को इंपोर्ट करना चाहते हैं तो ये यहाँ पर जाके आप कर सकते हो। ऑटोकैड की PDF मैक्स जो फाइल होती है वो आप इंपोर्ट कर सकते हो, कोलाडा फाइल्स और जो ये IFSC फाइल्स और भी जो JPG और जो PNG वगैरह से रिलेटेड जो TIF फाइल्स होती है, उन सबको आप यहाँ पर सेलेक्ट करके क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पर ऊपर की तरफ दिखाई दे देगी। तो आप यहां जाकर पहले, अगर आपको यहां पर शो नहीं हो रही ऑटोकैड की फाइल, तो आप यहां जाकर ऑटोकैड फाइल सेलेक्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिक आपको यहां पर शो करने लग जाएगा आपकी, जहां पर लोकेशन पर आपकी फाइल सेव है। उसके बाद हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, इसके ऊपर क्लिक करके हम इसको ओपन कर लेंगे। तो बेसिकली आप देख पा रहे हैं ये यहाँ पर आपको एक ये इम्पोर्ट रिजल्ट दिखाई दे रहा है, जहाँ आपको लेयर्स वगैरह जो भी आपके ऑटोकैड की लेयर वगैरह वो सारी की सारी आप इम्पोर्ट कर पाओगे। यहाँ पर डायमेंशन कितनी है, हैचेस कितने हैं, वो सब कुछ आपको यहाँ पर शो हो जाएगा इंपोर्ट रिजल्ट के अंदर। तो बेसिकली इसको यहाँ से क्लोज कर देते हैं। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो हमने अभी इंपोर्ट किया है हमारा एक प्लान जो ड्राफ्टेड था पहले से, अगर आप चाहते हैं कि कोई मैं ऑटोकैड के ऊपर वीडियो बनाऊँ प्लानिंग से रिलेटेड, तो आप मेरे को नीचे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं आपके लिए वीडियो लेकर आ जाऊँगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, थोड़ा इस प्लान को मैं साइड में कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ इस प्लान के अंदर क्या क्या चीज़ कैसे होने वाली है। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं ये पार्किंग स्पेस है, जहाँ पर स्टेयरकेस भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। उसके बाद आपको यहाँ पर सामने एक पैसेज मिल जाएगा, उसके बाद ये किचन और डाइनिंग स्पेस हो जाएगा, और ये अंदर बेडरूम्स और ये वाला जो एरिया है आप देख पा रहे हैं, ये वाला जो एरिया है ये वॉशरूम और यूटिलिटी OTS वगैरह यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर बेडरूम का आ गया। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, हमारी वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हमें बेसिकली वॉल्स क्रिएट करने के लिए कौन कौन से टूल्स की ज़रूरत होती है, तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये जो टूल है यहाँ पर लाइन, तो बेसिकली आप लाइन टूल से भी लाइन टूल की वजह से भी आप वॉल्स वगैरह क्रिएट कर सकते हो। तो बेसिकली आपको करना है कि आपके कीबोर्ड पर प्रेस करना है L, तो आप देख पाएंगे ये लाइन टूल आपके सामने आ जाएगा। तो आपको यहाँ से पॉइंट सेलेक्ट करते करते इसको पूरा जो एक ये एरिया है वॉल का, आप उसको बनाना है। तो कैसे आपको बनाना है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप ये पॉइंट यहाँ पे शो हो रहा है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक पॉइंट शो हो रहा है, इसके ऊपर क्लिक करके सेकेंड पॉइंट आपको सेलेक्ट करना है, और फिर जो ये प्रॉपर आपको एक यहाँ तक लाइन दिख रही है इसके ऊपर थर्ड पॉइंट, फोर्थ, और इसको कम्प्लीटली आपको पैक कर देना है। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे, ये आप देख पा रहे हैं कम्प्लीटली एक फेस बन चुका है। अगर आप चाहें तो ऐसे कंटिन्यू करके यहाँ पर आप पूरा का पूरा लाइन के थ्रू भी इनको वॉल्स को फेस बना सकते हो, बाद में आप जाकर इनको ग्रुप सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो बेसिकली अगर आप ये नहीं चाहते कि आपको बार बार कोई पॉइंट सेलेक्ट करना पड़े, तो आपको टू पॉइंट से ही सेलेक्ट होने पर आपका काम हो जाए, तो वो भी पॉसिबल है। उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, आपको सिंपली अपने कीबोर्ड पर प्रेस करना है R, तो आपको फर्स्ट पॉइंट सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपको सेकंड पॉइंट सेलेक्ट करना है। अब देख पा रहे हैं यहाँ पर एक और फेस क्रिएट हो चुका है, और आपको ये लाइन इरेज कर देनी है, क्योंकि अगर आप जब ग्रुप बनाओगे तो एक साथ ये सेलेक्ट हो जाए। और आगे आपको बताता हूँ, फिर से आपको R दबा के ये पॉइंट सेलेक्ट कर लेना है ऐसे, या फिर आप लाइन से भी क्रिएट कर सकते हो। तो लाइन अभी मेरे को ज़्यादा ईजी वे तो R से मतलब रेक्टेंगल से लगता है, तो आप रेक्टेंगल से बना लीजिए या फिर लाइन से बना लीजिए, जैसे आपको एक बार इजी लगे तो आप वैसा कर सकते हो। मैं एक बार बना देता हूँ उस सारी लाइंस को, फिर आपको क्या करना है वो आगे मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ। बेसिकली आपने जब ये सारा काम कर लिया होगा, उसके बाद आपको करना है इसको ग्रुप बनाना है, कंपोनेंट नहीं बनाना है अभी, आप इसको ग्रुप बना लीजिए, क्योंकि अगर आप इसको कंपोनेंट बनाएंगे तो वैसे भी इतना ज़्यादा काम नहीं आएगा। तो मैं इसको एक बार के लिए ग्रुप बना लेता हूँ।
अब सेलेक्ट देखिए, ये सिलेक्शन पूरा कंप्लीट हो रहा है। जैसे इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको अब आपको क्या करना है, मेक ग्रुप, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, दोबारा से बस सेलेक्ट करना है आपको। यहाँ पर मेक ग्रुप दिखाई दे रहा है। बेसिकली मैं इसको डबल क्लिक के जरिए क्यों सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ, जिससे कि ये जो फेसेस के साथ जो लाइन्स आपको दिखाई दे रही है ये सारी की सारी सेलेक्ट हो जाए और आप ग्रुप बना सके। अगर ये लाइन सेलेक्ट नहीं होगी और ओनली फेस सेलेक्ट होगा तो उसे आप ग्रुप नहीं बना पाएंगे। देखिए यहाँ पर कहीं पर भी आपको ग्रुप का ऑप्शन नहीं दिख रहा है। तो बेसिकली आपको करना क्या होगा, या तो आप इसकी सारी की सारी आउटर लाइन्स को आप सेलेक्ट कीजिए, जैसा कि मैं कर रहा हूँ अभी यहाँ पर, ऐसा आप सारी की सारी आउटर लाइन को सेलेक्ट कीजिए ऐसा कुछ, और उसके बाद आप देख पाएंगे यहाँ पर ये एक सेकंड में इसको पूरा सेलेक्ट कर रहा हूँ, उसके बाद आप देख पाएंगे यहाँ पर मेक ग्रुप। तो अभी देख पा रहे पहले ये मेक ग्रुप का ऑप्शन नहीं आ रहा, लेकिन आपने पूरी लाइन्स के साथ फेस सेलेक्ट किया है तो आप इसको डायरेक्टली यहाँ से ग्रुप बना सकते हो, ये देख पा रहे हैं आप। लेकिन मुझे सिर्फ इसी को ग्रुप नहीं बना रहा, मेरे को पूरा जो यहाँ पर गोल्स जो मैंने बनाई है अभी जितने भी, उन सबको एक साथ ग्रुप बनाना है। तो इन सबको कंट्रोल के साथ आप सेलेक्ट कर सकते हो और ग्रुप बना सकते हो। फिर आपको करना क्या है आगे मैं आपको बताता हूँ। आपको बेसिकली इसको पुल कर लेना है। अब आपको पुश तो करना नहीं होगा क्योंकि आपको नीचे नहीं बनाना, आपको गोल्स ऊपर क्रिएट करनी है, तो आपको इसको पुल करना है। पुल करके जो भी आपकी आप साइज लेना चाहते हैं, हाइट लेना चाहते हैं, जैसे अभी मैं एक बार के लिए इसको 10 फिट रख लेता हूँ। अगर आप मीटर में काम कर रहे हो तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। उसके बाद मैं इसको भी पुल कर लेता हूँ, ये देख पा रहे हैं ये पुल हो चुकी है, ये वाली वॉल भी। और ऐसे ही आप इसको भी पुल कर लीजिए जो तो आपने इधर भी बनाई है बीच के अंदर। आगे हम चलते हैं, देख पा रहे हैं यहाँ पर हमें एक विंडो क्रिएट करनी है, देख पा रहे हैं यहाँ पर विंडो का सिंबल है। फिर आगे ये वॉल कंटिन्यू हो रही है, फिर हम वॉल बना देंगे, फिर विंडो है, फिर वॉल बनाना है अपन को, यहाँ पर वॉल बना देंगे। और इसी के साथ साथ हम इस ग्रुप के अंदर आ जाएंगे और यहाँ पर फिर हमें आर दबाकर प्रेस करना है। अब ये देख पा रहे हैं ये पूरी की पूरी कंटिन्यू एक वॉल है, इसके अंदर कोई भी विंडो या कुछ नहीं है। तो आप इसको एक साथ बना सकते हो और फिर इसको पुल कर लीजिए आप, ये देख पा रहे हैं आप ये पुल हो चुका है। उसके बाद मैं आपको आगे बताता हूँ, जो हमने ये बाहर सेलेक्ट किया था क्योंकि ये ग्रुप अलग है और ये अभी तक मैंने इस ग्रुप के अंदर नहीं डाला, तो अगर आपको इसी ग्रुप के अंदर जो आपने ये फेस सेलेक्ट बनाए हैं इनको आप डालना चाहते हो उस ग्रुप के अंदर, या आपको अलग रखना है जैसा आप चाहते हैं, अभी मैं इनको एक साथ रखना चाहता हूँ, तो मेरे को कुछ नहीं, इनको सेलेक्ट करना होगा और कंट्रोल एक्स दबाना होगा कट करने के लिए, और बाद में उसी जगह पेस्ट करने के लिए मेरे को पेस्ट इन एडिट में जाकर पेस्ट इन पेस्ट कर देना होगा। तो आप देख पा रहे हैं ये जो ग्रुप के अंदर आ चुकी है और इसी तरीके से मैं इनको पुल कर लेता हूँ। अब बेसिकली हम आगे जो ये विंडो है वो जो ये विंडो है ये बनाना मैं आपको बता देता हूँ आप कैसे बना सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, आपका आपको सेलेक्ट करना है कि आपका सिल लेवल कितना होगा, जो लेंटल है वो कितना आपका होने वाला है। तो बेसिकली जो सिल लेवल है मैं अभी 3 फिट के 3 फिट ले रहा हूँ, तो बेसिकली मैं 3 फिट यहाँ पर प्रेस करूँगा। उसके बाद मेरे को जो लेंटल है वो 7 फिट रखना है, तो अभी 3 फिट मैंने सेलेक्ट किया, उसके बाद मेरे को 4 फिट यहाँ पर डायमेंशन डाल देनी है। तो ये 7 फिट हो चुका है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, ये देखिए आप देख सकते हो यहाँ पर 7 फिट हो चुका है। उसके बाद आपको करना क्या है, आपको इसको कवर कर देना है। तो बेसिकली आपको यहाँ से एक लाइन फेस सेलेक्ट करना है और यहाँ पर मैच कर देना है। और ऐसे ही अगर आपको सेम टू सेम पुल कमांड या पुश कमांड को सेम रखना है, तो आप जो फेस सेलेक्ट करें उसके ऊपर आप डबल क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक जहाँ आपने डायमेंशन डाली थी वहाँ पर ऑटोमेटिक जाकर ये मैच हो जाएगा। तो अभी आप देख पा रहे हैं मैंने जैसे इसको डबल क्लिक किया तो ये ऑटोमेटिक वहाँ पर पहुँच गया था। ऐसे ही आपको सारी की सारी वॉल क्रिएट करनी है, जो मैं प्रोसेस आपको बता रहा हूँ वही प्रोसेस आपको बार बार रिपीट करना है जब तक आपकी वॉल्स पूरी क्रिएट नहीं हो जाए। तो बेसिकली मैं थोड़ा इस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ जिससे ये ज़्यादा लंबी ना हो।
बेसिकली आप यहाँ पर देख पा रहे हैं मैंने जितनी भी बोल थी वो एक बार के लिए मैंने क्रिएट कर ली है, और जैसे जैसे मैंने आपको बताया था आपको सिल लेना है, लिंटल लेना है, और आप विंडो डोर बना सकते हो। और अभी आप देख पा रहे हैं मैंने ये वाला जो एक ग्रुप है प्रॉपर उसको मैंने एक ग्रुप रखा है पूरी वॉल्स को, और ये जो बाहर वाला जो कंपाउंड वॉल है इसको एक रखा है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं ये 10 फिट की मैंने इसको हाइट ली थी और ये मैंने 5 फिट की। कंपाउंड वॉल इतनी लंबी नहीं होती, अगर आपको रखना है कोई रीज़न की वजह से आप इसको भी रख सकते हो। तो आगे हम फिर से थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड मैं आपको दिखाने वाला हूँ, क्योंकि मैं एक बार इनकी जो विंडो है डोर्स है उनको क्रिएट कर लेता हूँ। अब देख पाएंगे यहाँ पर मैंने सारी की सारी वॉल्स क्रिएट कर ली है, डोर और विंडो जो मेरे को बनाने थे वो मैंने बना ली है। तो बेसिकली आपको डोर और विंडो बनाने के लिए आपको सिल और लिंटल का पता होना चाहिए, उसके बाद आप डोर इजीली बना सकते हैं। और इसके अंदर मेरे को जो लगता है आपको जो प्रॉब्लम आ सकती है वो भी बता देता हूँ। तो बेसिकली जब आप इसको लाइन्स को कॉपी करेंगे जो मैंने यहाँ से किया था आप देख पाएंगे, तो जब आप इसको कॉपी करेंगे तो आपका जो एक्सिस है ये इधर उधर हो सकता है, या तो आप इसको अभी आप देख पा रहे हैं मेरे को ब्लू एक्सिस पे इसको 7 फिट करना है, तो आप 7 फिट पे क्लिक करेंगे तो ये 7 फिट के ऊपर आ जाएगा। नहीं तो अगर ऐसे भी नहीं हो रहा तो आपने जो पहले से जो लाइन क्रिएट कर रखी है आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो लाइन क्रिएट कर रही है, अगर आप इसको पहले ही इसके ऊपर लेते जाएंगे और आप इसके ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं 7 फिट, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक लाइन क्रिएट हो चुकी है। ऐसे ही आप सारी की सारी जो सिल और लिंटल की जो लाइन है उनको आप क्रिएट करके डोर विंडोज बना सकते हैं। तो चलिए आपको बता देता हूँ अगली जो वीडियो आने वाली है वो डोर और विंडोज पे आने वाली है, कि हम डोर और विंडो कैसे क्रिएट कर सकते हैं। बेसिकली इस वाली वीडियो के अंदर हमने प्लेसमेंट बनाया कि हमें डोर और विंडो कहाँ हमारे प्लेस करने हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप कर सकते हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब, तब तक के लिए आप वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो का। धन्यवाद।